असम में मुस्लिम मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट रद्द कर दिया गया। असम सरकार का बहुत बड़ा फैसला है ये। स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से ही है यहाँ पर, असम सरकार ने की तरफ से कहा गया, और बाल विवाह को दरअसल रोकने के लिए ये बड़ा कदम बताया जा रहा है असम सरकार की ओर से। तो क्या हेमंत, सरकार का यह फैसला असम में भी यूसीसी आने का संकेत है। उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। हेमंत बिस्व शर्मा कई बार ये बात कह चुके हैं, बता चुके हैं कि उनकी सरकार राज्य में यूसीसी लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। तो उत्तराखंड में यह पहले हो चुका, और देखिए एक बड़ा कदम अब असम सरकार की तरफ से भी उठाया गया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को असम में खत्म किया गया और इसे निरस्त किया गया, और इस एक्ट के तहत अब क्या प्रावधान थे। इस एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होता था, और रजिस्ट्रेशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा हो या पुरुष की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा हो, यानी बाल विवाह को भी बढ़ावा मिलता था इस एक्ट के जरिए। अब असम सरकार का ये तर्क है इसे निरस्त करने के पीछे, क्योंकि शादी के लिए देश में पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो अब इस कानून की जरूरत ही क्या है। साथ ही इस कानून के खात्मे के साथ बाल विवाह को भी रोकने में मदद मिल सकेगी। और आपको बता दें कि असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म हुआ है, तो ऐसे में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको बिग बॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स बताते हैं। सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त किया गया है, और ये करने के पीछे एक अहम फैसला ये लिया गया है हेमंत शर्मा का, हम आपको बयान बता रहे हैं। और इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, और भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 या 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे, यानी बाल विवाह एक बड़ा कारण बताया गया है। और जैसा कि कानून के जरिए आवश्यक है, ये असम में ये भी कहा गया, और कहा गया कि बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम इसे बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मुस्लिम मैरिज एक्ट के खत्म होने के बाद असम में क्या बदल जाएगा, क्या परिवर्तन होगा। तो पहली बात तो ये कि अब मुस्लिम निकाह या तलाक का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कम उम्र में विवाह इस कानून के तहत वैलिड था, अब वो नहीं हो पाएगा, यानी कि जो फिक्स एज है शादी की उसको हासिल करना होगा, उसको तय करना होगा। मुस्लिमों में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह नहीं होता था, अब होगा। और साथ ही जो 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार मुस्लिम निकाह के मामलों में रजिस्ट्रेशन के लिए इस एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन सभी को एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा देने के बाद हटा दिया गया है। साथ ही अब यह शक्ति जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को दे दी गई है। तो ये सारे परिवर्तन हो जाएंगे इस फैसले के बाद से। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे उनका। आमोद, अगर देखा जाए तो कारण बताया गया है बाल विवाह को रोकने का, लेकिन कैबिनेट के सरकार के इस बड़े फैसले के असली संकेत क्या नजर आ रहे हैं। देखिए रवि, साफ है इस पूरे घटना को अगर देखें तो इससे पहले की भी घटना पे हमें नज़र डालना होगा। हेमंत बिस्व शर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि समूचे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाना चाहिए, और उसके तहत जो अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है, उसके बाद बीजेपी की रणनीति है कि 3-4-5 राज्यों में अभी और इस कानून को लागू किया जाएगा, और उसमें असम का नाम भी है। तो असम में जो आज कल फैसला कैबिनेट ने लिया है, ये उसी दिशा में एक कदम, बढ़ता हुआ कदम कह सकते हैं। और इसका सीधा जो परिणाम होगा, इसका सीधा जो असर होगा, वो ये होगा कि सबके लिए एक जैसा कानून हो। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट से शादी आपको नहीं करनी है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान असम में पहले से है, उसी के तहत होना चाहिए। और स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान न सिर्फ असम में है कि बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी है, तो उसी के तहत होना चाहिए। तो ये एक विधान, एक निशान, एक देश का जो बीजेपी का फॉर्मूला है, उसी के तहत बढ़ता हुआ एक कदम देख सकते हैं। इस फैसले के पीछे ये भी मंशा है कि आने वाले समय में असम यूसीसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये सवाल भी है। और आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में यूसीसी को लेकर क्या कुछ हलचल है, और कहां कहां यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये आप देख रहे हैं देश का नक्शा, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान के, आपको बता दें कि उत्तराखंड में लागू है, और ये राज्य सबसे पहले 3 हफ्ते पहले इसे लागू किया गया। उसके बाद
असम में ये एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाने की तैयारी की जा रही है। पहले भी इस बात की हिमाकत कर एक बार बता चुके हैं, असम के सीएम इस बात के हिमायती रहे हैं कि यूसीसी आना चाहिए।